दोस्तों YouTube पर आपको जब वीडियो को अपलोड करना होता है तो वीडियो अपलोड करते समय आपको ये देखना होता है कि वीडियो पे आपकी पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वीडियो को अपनी को यहाँ पर अपलोड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि हम यहाँ से पहले क्रिएट पर चलते हैं और अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं हम अपलोड वीडियो और हमारे पास जो भी वीडियो है हम उस वीडियो को यहाँ पर सर्च कर देते हैं। तो हमारे पास एक वीडियो है, कहाँ गया, ये हमारे पास एक वीडियो है जिसमें हम एक साथ कई लोगों के फोटो अगर हमें पासपोर्ट साइज बनाने हैं तो हम कैसे बनाएं, तो हम यहाँ प्ले करके देख लेते हैं पहले। दोस्तों फोटोशॉप 7.0 के अंदर अगर आपके पास अलग अलग कस्टमर हैं उनके फोटो तो ये है हमारे पास एक वीडियो जिसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम यहाँ से इस वीडियो को ओपन करते हैं और वीडियो को कर देते हैं यहाँ पे अपलोड करना शुरू। अब देखिए सबसे पहले आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए रैपिडएक्स, ये आपके वीडियो को लिए आपको कीवर्ड्स देगा। इसके बाद दूसरा जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए यहाँ पे यूट्यूब हैशटैग, ये यूट्यूब रेंजर यूट्यूब एसईओ टूल्स, इस वाले को आपको लेना है। अब सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या है, पहले मैं YouTube पर थोड़ा एक टाइटल को सर्च करता हूं। तो मैं यहां से क्लिक किया, मैंने यहां से पहले खोला YouTube। जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो है उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको एक बार के लिए YouTube पर सर्च कर लेना चाहिए कि जो आप चाह रहे हो उसको आप किस तरीके से दिखा सकते हो। तो हमने यहां पर ले लिया। अब मैंने क्या किया है इस वाली वीडियो के अंदर, मैंने बताया है हमें एक साथ कई लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो बनाने हो तो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने यहां पर क्लिक किया और यहां पर हमने क्लिक किया तो हमने यहाँ पे अपना टॉपिक सर्च कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है हाउ हु डू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, ये वाला जो टॉपिक है ये है हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग का टॉपिक, यानी मल्टीपल फोटो प्रिंट फोटोशॉप एक्शन डाउनलोड बाय टू कम, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पे हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से कोई टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि ये ही है हमारे पास कि A4 साइज पेपर मैं पासपोर्ट साइज फोटो कैसे लगाएं। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने पास अपना टाइटल लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने अपने पास एक टाइटल दे दिया है एक साथ कई लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं फोटोशॉप में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने पास दो टाइटल दे दिए, एक साथ कई लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं फोटोशॉप में और पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं। तो अब मेरे पास दो टाइटल है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं पहले टाइटल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करके मुझे जाना है रैपिडएक्स पर और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट और एंटर। तो जो भी कीवर्ड से यहाँ पे बना के देगा वो यहाँ पे कीवर्ड हम अपने पास ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं कंप्यूटर से, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं फोटोशॉप 7 से। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम अपनी फाइल पर ही आते हैं और नीचे टैग वाले में आके यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। इसके बाद हम अपने दूसरे वाले टाइटल को ले लेते हैं यहाँ से, जो भी हमारा दूसरा टाइटल है पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं, इसको भी हम लेके आए रैपिडएक्स में ही और यहाँ पर रख के हम इसको भी यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ से हम इसको भी कर लेते हैं कॉपी और इसको भी यहाँ पे ले जाके कर देते हैं पेस्ट टैग के अंदर ही। टैग के अंदर ले जाके मैं इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक जैसे दो नहीं आ पाएंगे, ताकि अगर कोई भी डबल होंगे तो उनको ही ऑटोमेटिक यहाँ पे हटा देगा। हम यहाँ से एक आध टैग और ले लेते हैं। तो हम जो भी टैग बनाएंगे उन सबको यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम लोग अपने टैग के अंदर ही। अब यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी और अपने टैग में आ गए, नीचे की तरफ आए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और जो हमारा टाइटल है उस टाइटल को भी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और नीचे की तरफ आके यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट, यानी आपने जो टैग लगाए हैं उनसे ऊपर ही आपको ये पेस्ट कर देना है और एंटर। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉमा आ रहा है उस कॉमे को हटाइए और एंटर करके सभी को अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ यहाँ पर हमें कॉमा दिख रहा है, वहाँ से हम इस कॉमे को हटा के एंटर करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं इन लाइनों को।
ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे टैग लगा दिए। अब हमें चाहिए यहाँ पे हैश टैग, तो हम यहाँ पे हैश टैग ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाए फोटोशॉप में। हमने जनरेट हैश टैग पर क्लिक किया तो देखिए काफ़ी सारे हैश टैग आ गए। हम यहाँ से इनको कर लेंगे ऑल सेलेक्ट और यहाँ से कर लेंगे कॉपी, तो हमें काफ़ी सारे हैश टैग मिल गए। अब हम वापस अपनी फाइल पर ही आए और सबसे नीचे आके यहाँ पे जो भी हमारे हैश टैग हैं उन सभी को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो देखिए हमारे सारे हैश टैग यहाँ पे आ गए। आपको देख लेना कोई हैश टैग अगर गड़बड़ हो रहा हो तो उसको आप सही कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए अपनी वीडियो के लिए, अब यहाँ पे जो भी हमारे हैश टैग एक्स्ट्रा हैं उनको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि जो हैश टैग एक्स्ट्रा हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब तो जो भी आपको हैश टैग एक्स्ट्रा लग रहे हों वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं नीचे से ही कुछ हैश टैग को हटा देता हूँ। इसके बाद ये जो मेरे हैश टैग हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। जो मेरे टाइटल है उस टाइटल को भी उठाना है आपको और नीचे की तरफ ला कर रखना है। अगर टाइटल को आप अपने को हैश टैग मतलब कि आप अपने टाइटल को अगर डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में टैग में नहीं डालेंगे तो आपकी वीडियो का SEO कभी भी 100% नहीं हो सकता। इसलिए आपको टाइटल को अपने को उठा के हमेशा इन दोनों के अंदर डाल देना चाहिए। तो हमने यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं एक आध टैग और देख के कितने 74 हटाने हैं। हाउ टू मेक ए पासपोर्ट साइज फोटो इन फोटोशॉप, फोटोशॉप पासपोर्ट साइज फोटो, तो हमने अपने पास यहाँ पे हैश टैग को क्लियर कर लिया है। हमारी वीडियो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने हैश टैग भी लगा दी। अब हमें क्या चाहिए थंबनेल चाहिए, तो हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से हम थंबनेल पे क्लिक करते हैं और जो भी हमने थंबनेल बना कर रखा है उस थंबनेल को यहाँ पे लगा देंगे और अपनी फाइल को यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने थंबनेल को कर दिया सेट, तो देखिए थंबनेल हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमने अपनी वीडियो के अंदर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सब चीज़ लगा दिए। अब हमें क्या करना है वीडियो को करने को अपने अपलोड, तो वीडियो को अब आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको नेच करना है, चैनल अगर मोनेटाइज होगा तो मोनेटाइजिंग का सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास एंड स्क्रीन, आपको एंड स्क्रीन में अगर कुछ वीडियोस लगानी है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब फोटोशॉप की आपकी वीडियो है तो जाहिर सी बात है फोटोशॉप देखने के लिए ही बंदा इंटरेस्टेड है, तो उसको आपको जब एंड स्क्रीन दिखानी है तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप से रिलेटिव ही दिखानी है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और नीचे चलते हैं क्लिक करके, तो ये हमारी एक फोटोशॉप की वीडियो है, ये भी फोटोशॉप से रिलेटिव है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से और यहाँ पर क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरी फ़ोटोशॉप की है। तो हमने फ़ोटो लिखा यहाँ पे, तो देखिए फ़ोटोशॉप रिलेटिव काफ़ी सारी हैं, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं सेव। अच्छा, मुझे इस वाली वीडियो के अंदर एक दूसरी वीडियो की एंड स्क्रीन को भी यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ से इसको नेस्ट करके पहले अनलिस्टेड पर करके ही सेव कर दे रहा हूँ। अब मैंने इस वाली वीडियो के अंदर एक दूसरी वीडियो को भी लिंक प्रोवाइड करने की कही थी, तो मुझे यहाँ पे दूसरी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करना है। तो मैं गया कंटेंट पर और यहाँ से मुझे एक वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो हमें इस वाली वीडियो का लिंक नीचे यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम गेट शेयर लिंक पर क्लिक करते हैं और हम चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पर नहीं कंटेंट पर, कंटेंट पर आके हम यहाँ से अपनी वीडियो पर आए यानी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फोटोशॉप। और जो हमने लिंक लिया है वो उसको यहां पे हम कर देंगे पेस्ट। अब ये लाइन मैं यहां से कॉपी कर ले रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरी वीडियो में भी देना है, तो मैं इसको यहां पे सेव करके क्लिक कर दिया सेव पर, बैक कर लेता हूं और इस दूसरी वीडियो के अंदर भी मुझे इस लिंक को पेस्ट करना है, तो मैं यहां पे आके इस वीडियो के अंदर भी उस लिंक को पेस्ट कर देता हूं। और इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास जो वीडियो है, अब हम वीडियो को अगर हैंड टू हैंड पब्लिश करना है तो आप अपना हैंड टू हैंड कर दीजिए। मुझे ये वीडियो 2 बजे अपलोड करनी है, तो मैं यहां से क्लिक करता हूं और 2 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाए तो मैं यहां पर तारीख ले लूंगा। पहले क्या तारीख है वो 27 तारीख है और दोपहर को यहां पर 2 बजे ये वीडियो मेरी यहाँ पे अपलोड हो जाए, तो 2 PM पर हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे एंड पब्लिश।
तो हमने अपनी वीडियो को लगा दिया यहाँ पे, देखिए शेड्यूल पर, और 2 बजे हमारी वीडियो यहाँ पे हो जाएगी पब्लिश। तो दोस्तों इस तरीके से आप YouTube के ऊपर अपनी किसी वीडियो को अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं, वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है वीडियो का SEO। अगर आपकी वीडियो का SEO 100% नहीं होगा तो आपकी वीडियो बिल्कुल बेकार है। तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को, चलिए मैं इसको यहाँ पे एंड टू एंड पब्लिश ही कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे वीडियो का SEO 100% है या नहीं है। तो देखिए मैंने वीडियो को यहाँ पब्लिश कर दिया, मैं वीडियो को यहाँ से करता हूँ प्ले। तो देखिए साउंड मेरा पॉज है, अभी वीडियो को थोड़ा प्ले होने देते हैं और देखते हैं इसका SEO 100% आएगा या नहीं आएगा। लेकिन 100% ही आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया SEO 100%, क्योंकि SEO अगर आपकी वीडियो का 100% नहीं है तो आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि SEO को 100% करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर मिल सके।